नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इंडिया ने फाइनली वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं, ये कोई मजाक नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिला है, शानदार ये मैच हुआ। रोहित शर्मा की पारी की बात करी जाए, अक्षर पटेल की कैच की बात करी जाए, और फाइनली मैच का रिव्यू लेकर हम आ चुके हैं आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु सर का मैनेजर, और चलिए बिना देर करे जल्दी से नजर डालते हैं कि इस मैच में आखिर हुआ क्या था भाई। वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से इंडिया ये मैच जीती है, वो कौन सी चीज थी जो इंडिया के लिए अभी भी कोई चैलेंज है, और वो कौन सी गलतियां थी जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुई, या फिर उनका कौन सा ऐसा बैड लक था जिस वजह से वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट बाहर का रास्ता इंडिया ने उनको दिखा दिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि हमने भी इंडिया को पहली बॉल से लेकर लास्ट तक पूरा सपोर्ट दिया है इस मैच में। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे ज्वाइन करके आप खुद चेक कर सकते हैं कि इस मैच में हमने क्या प्रेडिक्ट किया, किसे सपोर्ट किया, और आपको फाइनली क्या देखने को मिला। चलिए करते हैं शुरुआत। तो दोनों ही दिग्गज टीमें जो आईसीसी के लगभग हर फाइनल मुकाबले में देखने को मिलती हैं। इंडिया ने बनाए थे 205 रन 20 ओवरों में, और ऑस्ट्रेलिया की टीम बना पाई सिर्फ 181 रन, और फाइनली इंडिया ने ये मैच 24 रन से जीत लिया है। सुपर 8 का ये मुकाबला था। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के सामने अब सिर्फ एक ही इक्वेशन फिट बैठने वाली है कि अगर किसी तरह से कल के मैच में अफगानिस्तान को बांग्लादेश हरा देती है, वो भी अच्छे तरीके से, तभी ऑस्ट्रेलिया आगे इस वर्ल्ड कप में दिखाई देगी। अदरवाइज लगभग टाटा बाय बाय उसको हमने बोल दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैच के स्कोर कार्ड पर एक बार नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो मैच की शुरुआत होती है टॉस के साथ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले इंडिया को बैटिंग करने का इनविटेशन दिया। डिसीजन बड़ा अच्छा था, बड़ा तगड़ा था, लेकिन उससे भी ज्यादा तगड़े थे हमारे बल्लेबाजों के इरादे। हालांकि बैटिंग करने के लिए ओपनिंग पर आए थे सबसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिसमें से विराट कोहली बहुत जल्द अपना विकेट खोकर बिना अपना खाता खोले आउट होकर चले जाते हैं। और इसके बाद जैसे कि उम्मीद थी हर मैच में अपना विकेट गंवाते हुए कप्तान रोहित शर्मा हो सकता है कुछ ही देर के मेहमान थे, लेकिन नहीं बॉस, आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज उनका बल्ला और उनके ग्रह नक्षत्र कुछ और ही बोल रहे थे। जो छक्के चौके की बारिश की शुरुआत जो उन्होंने कर रही है भाई, कसम से मजा आ गया था, देखने लायक था। ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे डेथ ओवर्स में लास्ट में जो बैटिंग की जाती है ना, उसका भी चार गुना बड़ा वर्जन देखने को मिल रहा हो इस मैच में। कमाल की पारी खेली है भाइयों, 8 छक्के और 7 चौके की मदद से 41 बॉल पर बनाए हैं 92 रन। लेकिन कोई ना, उनके जाने के बाद सूर्य कुमार यादव जी का रौद्र रूप देखने को मिलता है, और वो कंटिन्यू करते हैं उसी पारी को जहां से रोहित शर्मा छोड़कर गए थे। कुल मिलाकर हमारे बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की जमकर धुनाई करी, बेहतरीन धुलाई की एक के बाद एक, चाहे किसी भी हम बॉलर की बात करें। अभी आपको हम आंकड़े दिखाने वाले हैं सभी बॉलर के। इसके बाद आते हैं शिवम दुबे बैटिंग करने के लिए। आते ही उन्होंने भी काफी आक्रामक रुख दिखाया, लेकिन पारी को बहुत लंबा ना ले जाकर 22 बॉल पर 28 रन बनाकर ये भी आउट होकर चल दिए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था इंडिया को, क्योंकि रन रेट जो था वो लगभग 11 से 12 के बीच चल रहा था। इसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या, और इनका बल्ला भी ठीक वैसा ही बोला जैसा आज इंडिया के सारे बल्लेबाजों का बोल रहा था। इन्होंने भी ठोक दिए 17 बॉल पर 27 रन, कमाल की पारी खेली। फाइनली इंडिया का जो स्कोर रहा 205 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में। इसी के साथ अगर एक बार ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पर नजर डाली जाए तो देखने को मिलता है कि मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट तो लिए हैं, लेकिन इनका इकोनॉमी देखिएगा और आपको समझ जाइए कि इनकी किस लेवल की धुलाई की गई है। इसके बाद बात करेंगे जोश हेजलवुड की, तो हाँ भाई, इस गेंदबाज की तो तारीफ करनी पड़ेगी। 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए, काफी अच्छी बॉलिंग की थी, विराट कोहली का विकेट भी इन्होंने ही लिया था। इकोनॉमी 3.5 की, बेहतरीन गेंदबाजी नो डाउट। पैट कमिंस की अगर हम बात करें तो 4 ओवर में 48 रन दे डाले भाई, 12 की इकोनॉमी से। आगे बढ़ते हैं, एडम जेम्पा की बात करते हैं तो 4 ओवर में 41, कोई सफलता नहीं। मार्कस स्टोइनिस की बात करें तो 4 ओवर में 56 रन, यानी कि 14 रन प्रति ओवर। भाई वाह, कमाल की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि हमने आपको वर्ल्ड कप में हरा दिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की और बल्लेबाजी के परफॉर्मेंस की। हालांकि हम जानते थे कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज भी कम नहीं पड़ने वाले, फ्लैट पिच पर बैटिंग को काफी हेल्प मिलने वाली थी, बॉलर्स फेल होने वाले थे, इसीलिए पूरा पूरा चांस था कि वहां से भी धुलाई देखने को मिल सकती है। लेकिन
तो सबसे पहले खतरनाक बल्लेबाज आते हैं डेविड वार्नर, लेकिन खुशी की बात यह है कि उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया जाता है और एक बेहतरीन कैच लपक कर सूर्य कुमार यादव जी के द्वारा अर्शदीप सिंह को यह सफलता मिल जाती है। इसके बाद टीम इंडिया के जानी दुश्मन यानी कि ट्रेविस हेड कंटिन्यू करते हैं अपना संघर्ष और दूसरी तरफ से बिना किसी प्रेशर के धुलाई को जारी रखते हैं और इंडिया की टेंशन बढ़ा देते हैं। भाई मुझे समझ नहीं आता इनको आखिर दिक्कत क्या है, इनको इंडिया के अगेंस्ट किसी भी तरह के मैच में, वो भी खासकर एक निर्णायक मैच में चलना ही होता है। इसके बाद मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड दोनों मिलकर गजब की धुलाई करते हैं, बढ़िया धोते हैं। ऐसा लगता है कि ये मैच हो सकता है 14-15 ओवर में खत्म कर डाले। लेकिन फिर आता है इस मैच का टर्निंग पॉइंट, जो था अक्षर पटेल द्वारा लिया जाने वाला मिचेल मार्श का वो कैच जो बाउंड्री के जस्ट पास में एक हाथ से उन्होंने लपक लिया। भाई कमाल का कैच था, बिल्कुल तारीफ करने लायक था और वहीं से पूरा का पूरा पासा पलट जाता है इस मैच का। इसके बाद से मानो कि इंडिया के फेवर में ये मैच कंटिन्यू जाता गया। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल आए थे, काफी बढ़िया धुलाई करने की कोशिश कर रहे थे, बढ़िया बल्ला घुमा रहे थे, डरा रहे थे बॉलर्स को, लेकिन ज्यादा लंबे नहीं टिक पाए और 12 बॉल्स में 20 रन बनाकर चलते बने। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं मार्कस स्टोइनिस, ये भी खतरनाक रूप में आते हैं और फॉर्म में चल रहे थे भाई, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको भी ज्यादा लंबा नहीं टिकने दिया जाता है और एक बेहतरीन कैच, टप्पे खाने वाला कैच, थोड़ा सा जान गले में अटका देने वाला कैच जिसे हम कह सकते हैं, वो हार्दिक पंड्या ने लिया और सफलता मिली अक्षर पटेल को। इसके बाद आते हैं टिम डेविड, काफी कोशिश करते हैं पारी को आगे बढ़ाने की। दूसरी तरफ से ट्रेविस हेड कंटिन्यू रखते हैं अपना संघर्ष, लेकिन अब यहां से मैच में जो बदलाव आता है, ट्रेविस हेड हो जाते हैं आउट। तो बड़ी देर के बाद अब मैच में आता है अगला एक और टर्निंग पॉइंट, जहां से ट्रेविस हेड का विकेट मिल जाता है जसप्रीत बुमराह को, वो भी 17वें ओवर में। इसके बाद आगे आपको कुछ बताने की खास मुझे कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि आने वाले जितने भी बल्लेबाज थे, चाहे मैथ्यू वेड की हम बात कर रहे हैं, पैट कमिंस की हम बात कर रहे हैं, उनको करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था। रन्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी और बॉल्स थोड़ी सी कम बची थी। हाँ, अगर ट्रेविस हेड आउट ना हुए होते तो शायद इस मैच में कोई संभावना थी कि वहां से ये मैच को निकाल सकते थे, लेकिन बॉस आज का दिन इंडिया के नाम होना था, ये मैच इंडिया को जीतना था, इसीलिए इंडिया ने ये मैच जीता। हो सकता है कुछ दुआएं अफगानिस्तान की कबूल हो गई हो, या हो सकता है कुछ बददुआएं हमारी इंडियंस की काम कर गई हो, क्योंकि 2023 में वर्ल्ड कप में जिस तरीके से इन लोगों ने हराया था, सबसे बड़ी दिली तमन्ना थी हर खिलाड़ी की, हर क्रिकेट फैन की, कि ऑस्ट्रेलिया को इस चीज का मजा चखाना पड़ेगा। तो फाइनल मैच में ही ना सही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टिकट कटवा के लगभग लगभग हमने अपना बदला ले लिया है। अब कल के मैच में देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये, कि अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को किसी तरह से हरा देती है, अदरवाइज मेरा तो ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया अब इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है दोस्तों। तो अब अगर एक नजर डाली जाए इंडिया के बॉलिंग फिगर्स पर, तो अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट इन्होंने लिए। वैसे भी विकेट लेने के मामले में ये बहुत आगे चल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी की भाई। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, वाह क्या बात है भाई, दिल जीत लेते हैं कसम से। जब भी इनकी एंट्री होती है मैच में कुछ ना कुछ स्पेशल होना होता है। हालांकि पिछले मैचेस की तुलना में इस मैच में थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन कोई बात नहीं, इनके लिए 7 खून माफ हैं। आगे बढ़ते हैं, अक्षर पटेल पर अगर नजर डालें तो 3 ओवर में 21 रन दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अक्षर पटेल को मानना पड़ेगा मैच को पलटने का इसमें भी काफी ज्यादा हुनर है। वो एक हाथ से लिया हुआ मिचेल मार्श का जो कैच था, मानिएगा वहीं से मैच पलटना शुरू हुआ है दोस्तों। इसके बाद हार्दिक पंड्या की बॉलिंग पर अगर हम नजर डालें तो अच्छे खासे महंगे साबित हुए आज, तो कोई भी इनको सफलता नहीं मिल पाई है। पर कोई ना, कुलदीप यादव पर अगर हम नजर डालें तो 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट, सबसे किफायती बॉलर पूरी लिस्ट में अगर देखे जाए तो यही थे। इसके अलावा 2 विकेट्स भी इन्हें मिले जो काफी कीमती थे। इसके बाद मिस्टर रविंद्र जडेजा, कोई खास इनका अभी आजकल दौर चल नहीं रहा है, स्पेशली अगर यहाँ देखा जाए तो 1 ओवर बॉलिंग की और उसी में 17 रन दे डाले, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली इंडिया जीती है ये मैच, वो भी 24 रन से। इसीलिए एक बार फिर से आप सभी इंडियंस को बधाई, सभी इंडियन सपोर्टर्स को बधाई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।